ये मेरा मोबाइल है। मैंने अभी बिजनेस सीवी का ऐप ओपन किया। अभी इसमें ऑलरेडी BET सीरीज रजिस्टर्ड है। मैं हम लोग को पहले डिस्प्ले और मोबाइल दोनों को सेम नेटवर्क पे रजिस्टर करना होगा। अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैंने प्लस साइन दबाया। पॉज किया ना, पता था। पहले डिस्प्ले को बिजनेस टीवी ऐप मोड में डालना होगा, तभी आपको डिवाइस मोबाइल पे वो डिवाइस दिखेगा। अब हम लोग ने और एक पहले से कंटेंट पुश किया हुआ था, इसके वजह से वो कंटेंट चल रहा है। अभी मोबाइल पे ये आपको बिजनेस टीवी का 50 इंच का डिस्प्ले दिख रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मुझे 6 डिजिट का पिन कोड मांग रहा है। तो वहाँ पे हम लोग ने पासवर्ड सेट किया हुआ है, 4 5 6, डन। सो इट इज शोइंग इट इज रजिस्टर्ड, सो विल प्रेस डन। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, रिटेल, सेल्स, स्पेशल ओकेजन, एजुकेशन, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी लिखा हुआ है। तो आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। अब हम लोग कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अभी मैंने एजुकेशन का ये सिलेक्ट किया है, और आप इसके अंदर फिर टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सैमसंग, एंड फॉन्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप प्लस माइनस आप चाहे तो इसमें चेंज करके ब्लू या कुछ भी डाल सकते हैं, एज पर योर चॉइस। ओके, सॉरी, ये हो गया। देन मैं बैक टू टेम्पलेट, ये हो गया सैमसंग का। देन लाइकवाइज आप बाकी के भी जो टेक्स्ट हैं उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं चाहे तो। तो मैं इसको अभी पुश कर देता हूँ। पहले हम लोग इसको सेव करेंगे। ये हमारे टेम्पलेट में सेव हो गया। अब हम इसमें जाएंगे, आप देखेंगे ये क्रिएट है, ये माई एड से, मतलब ये मेरे टेम्पलेट से जो मैंने सेव किया हुआ है मेरे मोबाइल पे। तो यहाँ से अगर हमको पुश करना है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रहा है, आइदर यू वांट टू एडिट और या आप उसको पुश करना चाहते हैं। मैंने पुश करने का ऑप्शन दिया तो मुझे डिस्प्ले का ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, टिक मार्क है, मतलब इट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हमको सिर्फ पोस्ट नाउ करना है। तो टीवी में ही आ गया। सो ये देख सकते हैं आपने कितनी क्विकली ये हम लोग ने कंटेंट पुश कर दिया डिस्प्लेस को। अभी हम लोग को अगर मल्टीपल टेम्पलेट्स को अगर स्लाइड शो करना है तो उसके लिए हम लोग ने जो टेम्पलेट्स पहले से सेव किया हुआ है उसको हम लोग टेम्पलेट्स में एज ए टेम्पलेट हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास टोटल 6 टेम्पलेट्स हैं, तो मैं एक टेम्पलेट ये सिलेक्ट कर दिया, सॉरी, तो हम लोग ने ये सिलेक्ट कर दिया पहले। कौन से सीक्वेंस में कौन सा टेम्पलेट लेना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको लिया 1,
2, 3, 4, 5, 6 कोई भी आप रैंडमली कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस में लेना है। नेक्स्ट आपको इसमें वो पूछता है ट्रांजिशन, फेड इन फेड आउट, और आप मल्टीपल ट्रांजिशन दिए हुए हैं इसमें। हम लोग ने स्लाइड इन डाउन का किया हुआ है, मैंने डन कर दिया। और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में चेंज करने के लिए कितना टाइम लिमिट, मिनिमम इज 5 सेकेंड्स, मैक्सिमम आप कोई भी टाइम दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप 24 आवर्स भी रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है वो। अभी हम लोग ने डन कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब इसको अगर पुश करना है, वी विल ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग, हम लोग को वही प्रोसेस फॉलो करना होगा, पुश पोस्ट नाउ। ये देखिए अभी कंटेंट अपने आप से स्लाइड शो की तरह चलते रहेगा।